फेयर यूज़, इसके अंतर्गत यूट्यूब मुझे वीडियोस को अंडर सम कंडीशन यूज़ करने देता है, तो लेट मी यूज़ इट। फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो कैसन बा आप लोग, तो कुछ दिन पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोज़ अपलोड करूँगा, पर दो वीडियोस के बाद ये बात, पर लोग रिलेवेंट रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, नया दुपिया को ही ले लो यार। कैसे कर लेते हो यार तुम सब, आई कांट डू इट, बार बार वही गाने पे वही स्टेप, इसको कंटेंट कहते हो? मतलब कुछ भी करोगे? आई टेल यू माय इशू विद ऑल द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, अगर कंटेंट क्रिएट करना है ना तो कुछ ओरिजिनल करो, कुछ नया करो, अदरवाइज रिमेंबर वन थिंग, यू आर वेस्टिंग इंटरनेट। अरे क्रिएटर बनो यार, फॉलोअर नहीं। Yes, absolutely. I'm looking forward to, and then you know exactly where to find us. Like Mukesh said, Roposo. अरे दीदी, अगर ऐप ही प्रमोट करना था तो सीधे सीधे कर देती, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, और है क्या ये Roposo? शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, छोड़ो। तुम्हें सेलेक्ट लेवल की मार्केटिंग को इग्नोर करके आगे स्क्रॉल किया, जैसे तुम्हें भी करना चाहिए था, तो वहां पर सनी पाजी जमीन में गड्ढे कर रहे थे। और एक तो ये सोशल प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते, मतलब मैं यूट्यूब पर दिन भर संडे भी को देख रहा हूँ और यूट्यूब मुझे बाढ़, सुनामी और भूकंप की वीडियोस रिकमेंड कर रहा है। सारा जल्लाद नहीं हूँ मैं? हाँ माना, लोगों को तड़पते देखने में थोड़ा मजा आता है, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। पर गोली मारो तो मैं क्या, तो सनी पाजी को गड्ढे करते देख मैंने सोचा इस पर तो अच्छी खासी वीडियो बन सकती है, तो हियर आई एम विद व्हाट द फक इलॉजिकल इंडियन मूवीज एक्शन सीन्स। एंड डोंट आस्क मी कि सनी पाजी को गड्ढे करते देख मुझे एक्शन सीन्स का आइडिया कैसे आया। दीदी इतना जोर से भी मत डरो, फोन टूट जाएगा। और ये अंकल, ये तो शुरुआत से ही कन्फ्यूजिंग ही चल के आ रहा है। ट्रेन कहाँ है? ट्रेन बच्चा कहाँ है? बच्चा मैं तो, मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा, अंकल ऐसे स्टेशन पर घूम रहे होंगे और शूटिंग वालों ने पकड़ लिया होगा कि आओ तुम्हें भी ये सरकत का हिस्सा बनाते हैं। अब इस सीन को शूट करते टाइम ना तो पटरी में बच्चा होगा, ना ही ट्रेन, और ना ही ट्रेन के ऊपर वरुण, तो अब अंकल पूरे सीन में कन्फ्यूज थे कि चल क्या रहा है। तुम्हें पता है दो गाड़ियों होने के बावजूद भी इसको क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि ड्राइवर परेशान है भाई, क्या इसे पकड़ूं या इन्हें संभालूं, गाड़ी में बैठो उड़ा दो साले को, इसके लिए अपने शरीर को क्यों दांव पे लगा रहे हो? और ये भी मजे मजे में भाग रहा है, इसे भी पता है कि ये कुछ नहीं होगा पाएंगे इसका। अब इतना पास आई गए थे तो उड़ा ही देते उसको, और बंदा पकड़ो रस्ती नहीं भाई, ये कोई डायरेक्टर इतना पागल कैसे हो सकता है यार, सिंपल सी बात है, तुम बंदा पकड़ने आता बंदा पकड़ो, हेलीकॉप्टर पकड़ के कहाँ निकलना है तुम्हें? ओहो, हाथ से हेलीकॉप्टर रोक दिया, ऐसे तो किसी दिन ये हाथ से गोली रोक देंगे। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। नेक्स्ट, अगला सीन किसी अनजान मूवी से जिसके होने के सारे सबूत मिटा दिए गए, तो अगर तुम्हें पता हो तो इसका भी नाम बता देना। ये ट्रैक्टर की ट्रॉली पहले से हवा में है। चलो आप वीडियो को अपन सीन बाय सीन देखते हैं। तो इसने पहले अपनी साइकिल गिराई, साइकिल गिरने की वजह से सफेद वाली गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, इसको इस जीप ने ठोका और इनके ठुकने का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि उसकी शॉक वेव से आसपास की गाड़ियां उड़ गई। एंड डोंट आस्क मी कि शॉक वेव से ये बंदा अपनी जगह से क्यों नहीं हिला, और ये गाड़ी सुरक्षित कैसे है, ये गाड़ी जमीन पे क्यों है? ओके, अब ये फ्लैश की रफ्तार से नाच रहा है। ओ भाई, फिजिक्स की मार लग गई। चचा एक्शन बाद में कर लेना, पीछे कीड़े मारने की दवाई छोड़ी जा रही है, बेमतलब में फेफड़े जल जाएंगे, वैसे ही आफ रहे हो। इतनी मेहनत वो भी एक तब्बर के लिए, सीधे मार देते, ये कमर तोड़ डांस करना जरूरी था यार। मुझे कोई मूवी का नाम बताओ, मुझे इसके एक्शन डायरेक्टर को जानना है भाई, कौन महान आत्मा थी जिसका बुद्धि इस डायरेक्शन में चली है। नेक्स्ट,
आई थिंक अगला सीन भी सेम मूवी से ही है, मुझे नहीं पता, भीड़ में इतनी मत नहीं है कि मैं मूवीज को जाके देखूं, या मोनोगतारी खत्म होनी नहीं मुझसे। ए बुड्ढे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, या कोई आया था? नहीं तो, तुम्हारा नाम राम है? हाँ। अच्छा, तो ये गड्ढा तुम्हारे लिए ही खोज रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं मिला था, कॉन्ट्रा के साउंड इफेक्ट्स ही उठा लिए। और यहाँ चल क्या रहा है भाई, तलवार पड़ी हो तो मैं खून कहाँ है, क्या PG-13 मूवी बना रहे हो? वैसे बना रहे होंगे, सेंसर बोर्ड बड़ा खतरनाक है अपने यहाँ का। और ये लोग क्या क्या लेके घूम रहे हैं, तलवार, सोठा, बंदूक। चाचा तुम भाग जाओ ना, तुम्हें गड्ढे में गाड़ना पड़ जाएगा। वैसे मैंने इसे तलवार कहा, पर इस फ्लेक्सिबल सी तलवार को बेसिकली पाटा कहते हैं, और इसका बार बहुत ज़्यादा घातक होता है बेसिकली। और फिर क्या, इन 3 मिनट की नौटंकी के बाद लक्ष्मण आ जाता है, बाय द वे ही इज लक्ष्मण या सी इज लक्ष्मण, आई डोंट नो। और वो आती विलेन को उठा के साइड में ले जाता है। अब साइड में क्यों लेके गया भाई, PG-13 मूवी है यार, अब हाथी मारेगा तो कीमा ही बनाएगा ना। एंड ही इज वरीड बिकॉज इतनी देर से कुकर के ढक्कन के बने सोटे से लड़ रहे थे यार, और एट दी एंड लक्ष्मण सारी स्पॉटलाइट ले गया। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसकी लिंक को कॉपी करके एडसेंस पे ऐड चलवाओ इसके। और एंड शाउट आउट टू श्रेया नोवा एंड युवराज फॉर देयर क्यूट एंड कूल कमेंट, कोई अच्छा सा कमेंट करो अगर तुम्हें मेरी अगली वीडियो में फीचर होना है तो। और वीडियो करो शेयर एंड लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुम्हें मिलता हूँ 2 दिन के बाद।